सुना है, हैं कुछ लोग जो वंदे मातरम कहने से कतराते हैं, हमारे मजहब में ये कहना मना है, कुछ यह तर्क बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैं कविता कहने जा रही हूँ, किसी को बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी व्यक्तिगत मज़हब या किसी भी पर्सन को कहने के मैंने ही नहीं है, क्योंकि हम सब भारत के संतान हैं, हम सब भाई बहन हैं। ये सिर्फ उन्हीं को चोट पहुँचाएगी मेरे ख्याल से जो इससे कुछ रिलेट करते हैं, बाकी मुझे लगता है कि समझा जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से हर धर्म को जयचंद तो होते ही हैं, तो वो कोई पर्टिकुलर खुद पे प्लीज ना ले, क्योंकि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो शायद कमज़ोर हम ही होंगे, हमारा देश ही होगा। तो अगर किसी को हर्ट करता तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलती हूँ, बट फिर भी मैं यही कहूँगी कोई इसको अपने ऊपर गलत वे में मत ले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुना है, आवाज़ आ रही ना सब तक मेरी? सुना है, हैं कुछ लोग, सुना है, हैं कुछ लोग जो वंदे मातरम कहने से कतराते हैं। सुना है कुछ लोग जो वंदे मातरम कहने से कतराते हैं, हमारे मजहब में ये कहना मना है, कुछ यह तर्क बताते हैं। सुना है कुछ लोग जो वंदे मातरम कहने से कतराते हैं, हमारे मजहब में ये कहना मना है, कुछ यह तर्क बताते हैं। माना, माना नहीं कह सकते वंदे मातरम, माना नहीं कह सकते वंदे मातरम, कोई बात नहीं। माना नहीं कह सकते वंदे मातरम, चलो कोई बात नहीं, पर माफ करना, अब तुम खुद को भारत की संतान बता दो, यह तेरी औकात नहीं। माना नहीं कह सकते वंदे मातरम, चलो कोई बात नहीं, पर माफ करना, अब तुम खुद को भारत की संतान बता दो, यह तेरी औकात नहीं। जो भारत को बस माता कहने में शर्माए, जो भारत को बस माता कहने में शर्माए, वो कैसे हुए इस देश के, कोई मुझको ये समझाए। जो भारत को बस माता कहने में शर्माए, वो कैसे हुए इस देश के, कोई मुझको ये समझाए। भारत तेरे टुकड़े होंगे कहकर बड़ा इतराते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहकर बड़ा इतराते हैं। सुना है कुछ लोग जो वंदे मातरम कहने से कतराते हैं। भारत के टुकड़े होने के अब भी ख्वाब सजाते हैं, भारत के टुकड़े होने के अब भी ख्वाब सजाते हैं, इस देश की हार पर वो खुलकर जश्न मनाते हैं। जी जान से बचाया है इस पावन धरा को, मिली हमें ये सौगात नहीं, इस माटी का कर दे कोई एक और भी टुकड़ा, इतनी किसी में औकात नहीं। जी जान से बचाया है इस पावन धरा को, मिली हमें ये सौगात नहीं, इस माटी का कर दे कोई अब एक और भी टुकड़ा, इतनी किसी में औकात नहीं। क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख ईसाई, हर धर्म में कुछ जयचंद होते हैं। दिक्कत नहीं कलाम साहब से, बस सिंधिया और अंबी कुमार को हम कहते हैं। जिनको नहीं पता कि ये सिंधिया और अंबी कुमार कौन है, तो जब रानी लक्ष्मीबाई के राज पे आक्रमण किया था अंग्रेजों ने, तो वो रानी लक्ष्मीबाई अपनी मदद मांगने जयाजी राव सिंधिया के पास गई थी, और उन्होंने उनको साफ मना करके अंग्रेजों की साइड ली थी। तो कोई अगर ये सोच रहा हो कि नहीं, एक व्यक्ति का धर्म ही गलत होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देश अगर खोया है तो इसमें हर धर्म का साथ है, और अगर ये धर्म हमने, ये माटी हमने फिर से पाई है, बचाया है, तो इसमें भी हर धर्म का साथ है। और ये अंबी कुमार जो पोरश और
सिकंदर के बीच में हुआ था झेलम की लड़ाई को लेके, उसमें भी अंबी कुमार ने सिकंदर का साथ दिया था पोरस के विरुद्ध जाके। तो चलिए, क्या हिंदू क्या मुस्लिम सिख ईसाई, क्या हिंदू क्या मुस्लिम सिख ईसाई, हर धर्म में कुछ जयचंद हैं, दिक्कत नहीं कलाम साहब से, बस सिंधिया और अंबिक कुमार को हम कहते हैं, अगर खून लगा तुम्हारा बराबर, अगर खून लगा तुम्हारा बराबर इस माटी में, तो बेशक यह देश जितना हमारा उतना ही तुम्हारा है, अगर खून लगा तुम्हारा बराबर इस माटी में, तो बेशक यह देश जितना हमारा उतना ही तुम्हारा है, अगर खून लगा तुम्हारा बराबर इस माटी में, तो बेशक यह देश जितना हमारा उतना ही आपका है, पर सुनो ध्यान से, जो बहे रगों में तेरे गद्दारी, तो सीना ठोक के कहते हैं, हाँ ये देश हमारा बाप का है, हाँ ये देश हमारा बाप का है। अगर खून लगा तुम्हारा बराबर इस माटी में, सच में अगर खून लगा बराबर तुम्हारा इस माटी में, तो बेशक ये देश जितना हमारा उतना ही आपका है। पर सुनो ध्यान से, जो बहे रगों में गद्दारी तेरे, तो सीना ठोक के कहते हैं, हाँ ये देश हमारे बाप का है, हाँ ये देश हमारे बाप का है। ये हम सबके लिए, ये भी हम सबके लिए था, ये उनके लिए सच में हम सबको हम मान रहे हैं। तुम शौर्य हो, तुम शूर हो, उठ जा और जोरदार ललकार लगा। तुम शौर्य हो, तुम शूर हो, चल जोरदार ललकार लगा, कांप जाए दुश्मन की छाती, एक ऐसी चित्कार लगा। शुक्रिया। तुम शूर हो, उठ जा और एक जोरदार ललकार लगा, कांप जाए दुश्मन की छाती, एक ऐसी चित्कार लगा, कोशिश भी ना कर पाए कोई तेरे सीने में जलती ज्वाला को बुझाने की, कोशिश भी ना कर पाए कोई तेरे सीने में जलती ज्वाला को बुझाने की, मरोड़ के रख दे शत्रु के इरादे, सिंह सी वो दहाड़ लगा। माहौल को हल्का सा मजाकिया बनाते, बहुत कम टाइम लूंगी, बस 2 मिनट। हाँ, तो मेरी अगली कविता का जो शीर्षक है, टाइटल है, जो भी कह लें, बिना दामना होता कम, ये सरकारी डिपार्टमेंट से एक्चुअल रिलेट करता है। और हाँ, फिर से मैं कहूँगी, कोई भी डिपार्टमेंट ख़राब नहीं होता, हम सब लोग, अगर रियलिटी बता दें, हम सब लोग यहाँ जितने बैठे हैं ना, सरकारी नौकरी चाहते हैं। कुछ लोग इसलिए फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं क्योंकि मिल नहीं पा रही, हमारे जैसे नहीं मिल पा रही तो सरकारी डिपार्टमेंट को ख़राब बता दूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, चाहते हर कोई, हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे लोग होते हैं। चलिए, सरकारी ऑफिस में पहुँची, इससे हम सब लोग रिलेट करते हैं, सब शायद हम सभी लोग पीड़ित हैं। सरकारी ऑफिस में पहुंची और बोली, करवाना एक छोटा सा काम। सरकारी ऑफिस में पहुंची और बोली, करवाना है एक छोटा सा काम। कुछ आगे बोलती मैं, पहले ही पूछ लिया, बताओ इसका क्या दोगी दाम। मैंने कहा, भाई जी दाम कैसा, ये तो आपका ही है काम। मैंने कहा भाई दाम कैसा ये तो आपका ही है काम। बोले, फिर ये काम छोड़कर आना तुम परसों की शाम। मतलब हमारा टाल दिया। पहुंची जब मैं परसों की शाम, वो फैलाकर पैर कर रहे थे आराम। मैं सोची, जब हो रहा आराम तो हो गया होगा मेरा काम। मैं पूछी, जी भाई हो गया क्या मेरा काम। वो बोले, काम होता कैसे, आपने बोला ना था नाम। मैं बोली, तो क्यों नहीं पहले आपने थी छोड़ी ये तान। मुस्काकर बोले वो, कि नहीं रहा था हमको ध्यान। बेमन से मैं फिर पूछी, सच बता दो कब होगा मेरा काम। बोले फिर वो धीरे से, खत्म होते प्याला जाम। जाकर सुबह उम्मीद लिए, पूछा क्या हो गया मेरा काम।
जाकर सुबह उम्मीद लिए, पूछा क्या हो गया मेरा काम? अकड़ के साथ बोले वो, अकेला सिर्फ तेरा नहीं है काम। मैं बोली, पर कहा था आपने कि मिलेगा खत्म होते ही जाम। व्यंग हंसी हंसकर वो बोले, अभी भी भरा है एक प्याला जाम। होकर तंग अगले दिन जाकर कहा मैंने, मैं देने को हूँ तैयार, जो मांगोगे तुम मुझसे दाम। चाय कॉफी तुरंत पूछकर बोले, लो कर दिया आपका काम। धन्यवाद जब कहकर चलने लगी, धन्यवाद कह जब चलने लगी, तो बोले कि बहन कब दोगे तुम मेरा दाम? फिर मैंने हंसकर बोला, भैया तुम आना परसों की शाम, बस मिल जाए का पल भर में एक प्याला खत्म होते जाम। थैंक यू।